अस्सलाम अल्लाम इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से विकैबलरी के कुछ वर्ड्स सीखेंगे आज की वीडियो में जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं आइए देखते हैं वो कौन से हैं सबसे पहला वर्ड जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं वो है एब्सकॉन एब्सकॉन्ट वर्ब है और एब्सकॉन का मतलब होता है चुपके से कहीं से निकल जाना

एक और सेंटेंस देखते हैं शी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम एवरी चिल्ड्रंस होम दे प्लेस्ड हर इन इसका सिनोनिम है एस्केप नेक्स्ट वर्ड है एंथ्यूस्ड एंथ्यूज एडजेक्टिव है और एंथ्यूज का वर्ड निकला है enthusiasm से एंथोसियाजम या याथजियास्टिक होने का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होना डिटर्मेंट होना तो इसका भी इसी तरह का मीनिंग है टू टॉक इन एन एंथ्यूजियास्टिक एंड एक्साइटेड वे अबाउट समथिंग टू मेक समबडी फील वेरी इंटरेस्टेड एंड excited. अब इसको सेंटेंस के जरिए समझते हैं एवरी वन प्रजेंट व्यूज बाई दी आइडिया इसके से हैं एन जी एस और जोश दिलाना गरमा देना या फिर जोश का मुजाहरा करना ये इसको उर्दू में कहते हैं नेक्स्ट वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है डेंगल डेंगल वर्ब है और डेंगल का मतलब होता है झूलना या फिर लटकना टू हैंग और मूव फ्रीली टू होल्ड समथिंग सो दैट इट हैंग्स और मूव फ्रीली एक और मीनिंग इसका होता है टू बी एगर ऑन और ए डिपेंडेंट सिंगल लाइट बल्ब डेंगल फ्राम द सीलिंग और डेंगल का मतलब होता है झूलना या फिर लटकना hang or move freely to hold something so that it hangs or moves freely इसके सिनोनिम्स हैं hangs, lings, suspend, swing झूलना या फिर लटकना इसको उर्दू में कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है excruciating ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है intensely और unbearably painful सख्त तकलीफ दे या फिर شديد درد जैसे ही फाइनली विजिटेड द डॉक्टर वैन द पेन बिकेम टू एक्सक्रूश टू इग्नोर इसके सनोनम्स हैं हेरोइंग रैकिंग रैगिंग टॉमेंटिंग टॉर्चरिंग इंतहाई तकलीफ दे या फिर कोई ऐसी चीज़ जो शदीद जहनी कोफ़ का बायस हो उसके लिए भी एकक्रूशरिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लास्ट वर्ड है पास ये एडजेक्टिव है और इसमें ये जो लास्ट लेटर है ये फ्रेंच लेटर है इफ़ यू आर यूजिंग दिस वर्ड तो आपने इस तरह से ये लेटर लिखना है ई e के ऊपर एक ये निशान डालना है जब ये आप वर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर ओल्ड फैशन हो नो लॉन्गर फैशनेबल इसका सिनोनिम आउट मॉडर्न होगा सेंटेंस के जरिए देखते हैं इसको हर आइडिया ऑन फूड और डिस्टिंक्टली पास पुरानी का इसको उर्दू में कहते हैं इन वर्ड्स को याद रखने का एक तरीका यह है कि आप सेंटेंसेस बनाया करें वो सेंटेंस बना के आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग